हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी आज है 10 तारीख और ऐसे हर दिन चल रहा है हमारा, बहुत दिनों से चल रहा है। देख सकते हो पीछे क्या हालत है, दीदी है यहाँ पे, मतलब लगेज जितना सारा सामान है, फ्लैट से घर, घर से फ्लैट, फ्लैट से घर, घर से फ्लैट, ऐसे चलते जा रहा है। तो अभी बज रहा है शाम के 7:30। अभी हमें अभी भी शॉपिंग बाकी है, फिर हम घर वापस जाएंगे। तो ढेर सारा काम है और शादी है 15 तारीख को, मतलब 14 तारीख से सारे रिचुअल स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हमें सब कुछ शॉर्ट करना है। अभी तक मेरा हल्दी का आउटफिट नहीं आया, शादी वाले दिन कौन सा ज्वेलरी पहनूंगी वो नहीं आया। दीदी का कम से कम हुआ आज, मतलब कंप्लीट हुआ उनका ब्लाउज आज कंप्लीट हुआ। मेरा तो अभी तक लहंगा भी स्टिच होके नहीं आया है, तो बहुत दिक्कतें हैं भाई। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। अभी ना जो तोत्तो पैक होता है उसका सामान कम पड़ गया, तो वो लेने जाएंगे, फिर जाएंगे घर। और घर है यहाँ से 40 किलोमीटर। तो अभी घर निकलते निकलते एक से आधे मतलब 1.5 घंटे तो हो ही जाएगा। तो अभी हम आए तोत्तो का सामान लेने, तो यहाँ से पैकिंग का कुछ लेना है और उसके बाद फिर से साड़ी के दुकान जाएंगे। साड़ी खरीदा है ढेर सारा। ये मेरा मेकअप बॉक्स मैंने आज खरीदा है, बहुत ज्यादा क्यूट देखने में है। और बाकी दीदियां भी सामने बैठी है क्योंकि दीदी के पास भी बहुत सारा काम है, दीदी को इधर उधर उतरना पड़ेगा, चीजें करना पड़ेगा इसीलिए। और बाकी मैं जा रही हूँ लगेज के साथ, लगेज क्वीन दब गई, दब के मर जा रही हूँ। बाप रे बाप, बोलो क्या बोलना। शादी हो रही इसीलिए मैं रोऊंगी। इतने कपड़े मिल रहे फिर भी कपड़े चाहिए भाई, पूरा यहाँ पे जितने कपड़े इसके ये पूरे कोई नहीं दे रहा है, सब साड़ी वेस्टर्न वेस्टर्न चाहिए, वेस्टर्न के लिए बॉडी बनानी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। बॉडी शेमिंग नहीं। हाय गाइस, तो मेरा स्वेटर स्वेटर छीन लिया गया है, भीख मांगा गया मुझसे कि प्लीज स्वेटर दे दो, ठंडी लग रही है। मैंने खुद से दिया, मैंने स्वेटर मेरा चोरी हो गया है। तो गाइस, इस स्वेटर में जितनी फोटोज होंगी बोलना मेरा है। ओके गाइस, गाइस लुक एट देयर फेस, हाउ सैड देयर फेस आर, एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल सेइंग आई एम जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और ये मुझे काम नहीं करने दे रही, इतना इंपॉर्टेंट काम है मेरे को, मेरे पैसे फंसे हुए हैं, फिर भी बोल रही है मेरा पैकिंग करा दो, पैकिंग करा दो, बट मुझे आता नहीं। वो तो तेरा जन्मजात काम है तेरा पार्सल खोलना। और मैं सारा खा जाऊंगा। सो अभी हो रहा है तोत्तो पैकिंग, देख सकते हो कितने सारे सामान है, देख सकते हो सब कुछ पैक होगा। ये दीदी का मेकअप बॉक्स जो कल खरीदा था, और ये सारा सामान मेकअप का, देख सकते हो अभी तक अनबॉक्स नहीं हुआ सारा सामान। ये है सबसे छोटा जो गेस्ट है उनका कपड़ा, जो है नीत कोने उनका कपड़ा, देख सकते हो बिल्कुल गॉर्जियस सा, मेरे साथ मैचिंग मैचिंग लग रहा है। ये उनका रिसेप्शन का कपड़ा, ये भी पैक होगा क्योंकि ये दीदी ने दिया है। बाकी भी बहुत सारे इसके लिए कपड़े हैं, वो बाकी अलग जगह पे है। किसका पैकिंग हो रहा है? मेरा। ओ भाई, मुझे सूटकेस में कब से आप जॉनसन बेबी यूज करने लगे बाबा? अरे कांचे दिए जाओ बाबा। ये जो स्वेटर देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये स्वेटर सेम मैंने लिया था बहुत पहले, ठीक है। और ये मोहतरमा मेरे कपड़े का कॉपी करती है, अभी जो पहनी वो भी कॉपी करके पहनी। पे कैची खरीदा गया था, उसकी भी बाय बाय ली गई है कि मैंने कैची खरीदा, तुमने नहीं खरीदा। हाँ मैंने खरीदा था क्योंकि दीदी ने बोला था नहीं लाएगा है घर से। और आंटी आंटी देंगी नहीं, वो आंटी इतनी खतरनाक। मम्मी दीदी के विरोध में चोरी का इल्जाम लगाया कि कैची चोरी हो गया घर से। चोर को देख सकते हो सामने, चोर है वो। इसी के साथ शादी भी है, मुझे याद नहीं उतना, भूल गया था शायद मैं। सो गाइस, इन्होंने अपना कपड़े चेंज कर लिया और अभी जो इन्होंने स्वेटर पहना हुआ है वो मेरा स्वेटर है, जो ये हमेशा चोरी कर लेती हैं, ये भी स्वेटर का चोरी करती हैं और दीदी भी चोरी करती हैं, दोनों लोग मेरे स्वेटर बहुत चोरी करते हैं। अभी मैं पूरा H&M का बॉक्स आ रखा डिब्बा बहुत, जिसमें 10-12 कपड़े होंगे, अभी उस पर इन लोग की निगाहें हैं कि वो चोरी करेंगे ये लोग एंड पहनेंगे। ये वाला बहुत मेरा फेवरेट है, बट मैंने दे दिया, जाओ पहन लो, थोड़ा सा खुश रह लो आप भी। तो एक बार स्टाइल मार दो इधर। ऐसा कुछ भी नहीं है, कैमरा के बैक साइड का स्टोरी बिल्कुल अलग है, उसने खुद बोला कि ये पहन लो क्योंकि उसको अच्छा लगता है जब मैं उसके कपड़े पहनती हूँ। ये मतलब मेन फैक्ट, दीदी है यहाँ पे सबूत साक्षी, अग्नि को साक्षी मान के मैंने सच बताया आप लोगों के साथ। और अभी पैकिंग हो रही है, देख सकते हैं आप गाइस।
अब मैं मतलब मेरा काम है कि अपना काम करूं, मैं वही कर रहा हूं। हमारा काम क्या दूसरों का काम है, ऐसे जाके ताली मारूं? देखो लड़कियों का काम होता है बैंग करना, जैसे इसका नहीं नहीं उनको एक्सपर्टीज होती है। ओहो वो तो मैं खाऊंगा, एक निकाल के दो, निकाल के दो। सब कुछ खाने से नहीं होगा, पैकेट करने दो। मैंने ये वाला चॉकलेट ऑलरेडी खिला लिया खाने के लिए। ये मेरा है, इसे किसी को नहीं दूं। घाड़े खूब बैठा करते थे आज तो धुले लिए वो है वही तो धुले थे तो अभी पैक कर रहे हैं हम लोग चिपिश। मजाक ना करो, इस पे मैंने कपड़े ले लिया था, वो साइड कर देना मेरा, वो चीज फ्राइड वाला थोड़ा। अरे काज करिए, हमरा ड्राई फ्रूट था ना छोटा झुलटा दे दी थी, छोटा झुलटा में कितना नहीं था दे जाए कितने दे दिया ना देख। हिंदी में बोलो, रिस्पेक्ट मांगो, रिस्पेक्ट मांगो, प्लीज मुझे वो दीजिए। दिया ले लो। मैंने ना कपड़ा खरीदा था तो इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स को डालूंगी, उसमें और भी आ जाएगा सुमिता। पर ये सिर्फ ड्राई फ्रूट्स मैंने इतना ही लिया है ना, ड्राई फ्रूट्स कोई खाता नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं तो खाता हूँ, मुझे दो आप 20 किलो। आपके लिए नहीं है ये? ओके वो मेरे लिए नहीं है ना। तो गाइस देखो घनघोर बेइज्जती हो रही मेरी, ठीक है? ठीक है, इसी बात पे मैं सन्यासी हो जाऊंगा। ठीक है भाई, चिप्स दो, चिप्स एक, चिप्स ऑलरेडी एक ले लिया। नहीं वापस कर दिया था मैंने चिप्स, चिप्स ये मुझे पसंद है वो, ना इसमें चीज वाला तीखा तीखा सा था वो। सो ये कलर होगा, मैं बोला व्हाइट पेंट कर देंगे इस पे, चुना जाएगा तो अच्छा रहेगा। एंड इधर भी वही लगेगा, वो गाड़ी खड़ी है अपनी। एंड इस पे भी कलर होगा, यहाँ पे भी कलर हो गया, ये भी कलर होगा, यहाँ पे पैंडल हो रहा है। एंड ये भी कलर, मतलब जितने भी पेंट है सब पे मैंने बोला व्हाइट करने के लिए, हर जगह कलर हो गया है, पैंडल हो रहा है। तो पापा भी कलर लाने जा रहे हैं, स्कूटी जब आ रही थक पे तो चलो घर में चलते हैं क्योंकि बहुत ठंड है भाई। घर कलर हो गया, देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं हर एक मतलब चीज में क्रिएटिविटी डाल रही हूँ। ये है देख सकते हो, ये ड्राई फ्रूट्स का है, ये मैंने चप्पलों का किया है, ये सबसे मेरा फेवरेट है अभी तक का जो कि मैंने साड़ी का किया है हल्दी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखा आपने साड़ी का कैसे पैक किया मैंने? ओहो कहाँ सीखा? कहीं से सीखा नहीं भाई, खुद के अंदर का टैलेंट है। और ये मैंने दीदी के लिए गिफ्ट खरीदा है तो ये अलग से मैं पैक करूंगी, और ये भैया के लिए खरीदा है। सुबह से कंटिन्यूसली पैक कर रही हूँ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ भाई, बहुत नेक पेन हो रहा है मेरा। तो आज 12 तारीख मैं फिर से लेके बैठ गई हूँ, तो अभी तक पैकेजिंग कंप्लीट, मतलब पैकिंग कंप्लीट नहीं हुआ, अभी काफ़ी सामान बाकी है, तो चलो ये सब भी पैक करते हैं। तो अभी देख सकते हो घर के अंदर भी पैंडल होना शुरू हो गया, घर का कलर भी आज ही कंप्लीट हुआ है, पंप चल रहा है इसीलिए ऐसे आवाज़ हो रहा है। तो गाइस अभी लड़की लड़की लगे लड़े क्या बोलते हैं लड़की, हाँ ये लड़की अभी लड़की नहीं बुढ़ी, हाँ ये बुढ़ी अभी सुंदर लग रही है, डेली मैक्सी में घूमती है मेरे सामने, आज पहनी है सुंदर कपड़ा, इसे डांस करके दिखा दे। ओके बाय बाय। और ये कर रही है अपना, अभी ये पेंट चल रहा है, कई कोट लगेगा, अभी भी चल रहा है काम पैंडल का। तो मार्केट आई हूँ, कौन बोलेगा इसका एक दिन में शादी है, देखो कितना सामान लिया है, मुझे नहीं दिया, तो अभी जाएंगे घर। मैं अभी ना दीदी के शादी के लिए सारे कपड़े ट्राई कर रही थी, अभी भी मतलब मेन ओकेशन जो होता है मतलब शादी के लिए, अभी तक मैंने मतलब ट्राई नहीं क्या कपड़े अभी सिल के आ गया है। मेरा शक्ल देखो एक बार कितना ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा है, उतना लग रहा है कि पतली हो गई हूँ मैं और ज़्यादा, कैसा लग रहा है मतलब तबीयत भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतना थक गई हूँ, कल रात में सो नहीं पाई, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। गोलू के पास दो लहंगा है, गोलू ब्लॉक कर रहा है, देख सकते हो घर में ऐसे पैंडल हो रहा है और गार्डन में भी हो रहा है,
तो अभी हम लोग थोड़ा सा निकल रहे हैं, तो सब पार्लर वार्लर जाना है और काम भी है फ्लैट में जाके थोड़ा सा। तो इधर देख सकते हो ये बाहर का है, बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में। गार्डन का मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को, बाकी मैं अभी जा रही हूँ। तो पार्लर में जाके मैंने कराया था पेडीक्योर एंड हेयर ट्रीटमेंट, तो हेयर ट्रीटमेंट का 8.5 पड़ा था, 8.5 हज़ार। बट भाई जो हालत हो गया ना हेयर का एक दिन बाद, मतलब इतना रफ और ड्राई लग रहा था, तो बिल्कुल पैसों की बर्बादी हो गई। और मेरा नेल एक्सटेंशन कराना था बट इतना ज़्यादा टाइम मतलब लग गया ना, तो हुआ ही नहीं वो। तो हाय बंधुरा, वेलकम बैक। हेलो गाइस, सो आज है 14 तारीख और कल है दीदी की शादी, 15 तारीख को पार आ गया। तो 15 तारीख को है दीदी की शादी और अभी बज रहा है, कितने बज रहा है टाइम पता नहीं क्या बज रहा है। एक ही फोन है जो चार्ज ऑफ नहीं, एक है 9:03 9:30 9:30 9:03 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
कैंडल ऑलमोस्ट हो गया, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो जल्दी जल्दी उठते हैं क्योंकि रात में कल 2:30 बजे तक जगी हूँ मैं, तो इसलिए मतलब उठ नहीं पाई जल्दी, पर कल से बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। तो चलो, तो देखो ये सुबह सुबह खुद के शादी के लिए खुद ही कांच को ऑटो जो होता है उसको पेंट करने लग गए। मैंने बोला था मैं करूँगी पर इसको ना तोड़ नहीं सहता है, मतलब क्या बोलते हैं, सबर नहीं होता। हाँ सबर नहीं है इसको, तुरंत एकदम खड़ी हो गई कलर करने। क्यों रे मेरी वीडियो खाएगा तू? नहीं नहीं। तो इन महाशय ने दीदी के हाथ से ये छुड़ा लिया और फिर कलर कर रहे खुद, जिनको ब्रश ही सही सही डायरेक्शन में चलाना नहीं आता कहीं पर भी किसी तरह। वो कह रहे थे मैं अगर बोली ना रॉन्ग होते ना पढ़ दे मैंने पेंट ये कॉर्डल डिजाइन वाला उन्होंने काग वॉक आती कल आगे तेरे मोड़े की जालो उस तीन का दीदी के हाथ में एक हिप्पोपोटामस बनाया था, उसको अगर आप देखते चाचुंदर भी उससे सर पे आ जाए। तो ऐसा फैमिली कभी देखा है कि शादी है और ज्वेलरी भूल गए? तो अभी मैं फिर से फ्लैट जा रही हूँ, घर पे ऑलमोस्ट काम हो गया है, कल शादी है और आज जा रही हूँ मैं ज्वेलरी लाने। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं कैसे जा रही हूँ भाई, मेरा पैंट फैंट इधर उधर हो जा रहा है, मतलब अलग ही चीज़ है, लोग देख के मुझे हंसेंगे ऐसे पागलों की तरह। हर बार इसकी कोई भी चीज़ होता है तो मुझे ऐसी हालत में घूमना पड़ता है। सो अभी निकल गए हम और अभी बज रहा है 9:43, मुझे बहुत जल्दी वापस आना होगा। यहाँ से जाने में लगता है आपको 1 घंटे 15 मिनट के आसपास लग जाता है, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है। और आते वक्त मतलब जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि दीदी का मेकअप मैं आज करूँगी और सारे गेस्ट आ जाएंगे। अगर मैं सही टाइम पर नहीं आ पाऊँगी तो बहुत बड़ी लोचा हो जाएगा और मेरा शक्ल देख रहे हो मुझे देख के लोग डर जाएंगे भाई की क्या हो गया इसको। सो अभी हम लोग रुके पेट्रोल पंप तेल भरवाने, अभी तो बहुत टाइम मतलब जाना है, 9:56 हो रहा है, जल्दी जल्दी पहुंच जाए 10:30 बजे तक, कैसे पता नहीं बस पहुंच जाए सही से और चीज़ें हो जाए जल्दी जल्दी फिर घर रिटर्न कर पाए। तो हालत देख सकते हो ऐसे अभी जा रही हूँ मैं, बहुत सारा सामान और भी ख़रीदना है जैसे कि दीदी के लिए शॉल ख़रीदना है, केक लेना है, बहुत सारी चीज़ें लेना है। तो अभी जाऊंगी मार्केट फिर जाऊंगी घर, अभी बज रहा है 12:15 तो पता नहीं कब तक घर पहुंचूंगी, पर जल्दी से जल्दी करना है क्योंकि इवेंट जो स्टार्ट होगा वो 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 3 बजे मेहंदी आर्टिस्ट आ जाएगा, उससे पहले सारी चीज़ें करना है, मेकअप वेकअप सब कुछ करना है मुझे। तो निकल के सबसे पहले गई थी मैं दीदी के लिए शॉल लेने, तो अभी जा रहे केक लाने, केक का दुकान का रास्ता देखो पूरा, गाड़ी खड़ा है। तो मैंने लिया था ब्लैक फॉरेस्ट केक, बट उन्होंने दे भी दिया था फिर बोला कि वो शायद ख़राब हो गया। तो केक ले लिया है, अभी मैं घर जाऊंगी। मैं अभी तक मतलब मेरा जो ज्वेलरी है शादी का अभी तक नहीं ले पाई, तो मैंने दोस्त को बोला है, एकता को बोला है, होपफुल उसे मिल जाए भाई, मतलब उसके हाथ में मेरी पूरी मतलब क्या बोलूँ उसका गेटअप होगा, अभी पता नहीं उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर मैं मेरे हाथ में बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं ज्वेलरी ढूंढने जाऊँ, अगर नहीं मिलेगा तो आए मतलब मुझे लास्ट मोमेंट में फिर आउटफिट ही चेंज करना पड़ेगा, तो देखते क्या होता है। सो हम लोग अभी निकल रहे हैं चिंसुरा से, तो अभी बज रहा है 1:30, देख ले तू चलो पूरा नहीं 1:04 बज रहा है, पूरा एक मतलब पूरा 1 बज रहा है और पीछे के 1 पे रखा है मैंने ना, तो चलो घर चले आपने इतना मारूंगा ना। तो मैं घर पे आ गई, दीदी देख सकते हो तैयार हो गई है और मेरी हालत देखो, दीदी खुद मतलब खुद का मेकअप खुद ने किया है, मैं उनका मेहंदी का मेकअप करूँगी, छोटे मोटे जॉल लग गया है जॉल खेल के,
बहुत ही गंदा मेकअप किया है देख लो, ठीक है, कुछ भी नहीं आता। और मैंने तो किया ही नहीं, बीबी क्रीम लगाया मैंने, और मैं कपड़ा दो एंटीना मार दो, और मैंने कपड़ा भी चेंज नहीं किया, यही प्राइस है, दो एंटीना। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, अभी 2:30 बज रहा है, तो दीदी का ये रिचुअल हो जाएगा अभी, तो और कुछ नहीं कर सकते। एक बार दाढ़ी जा, तो सिर्फ मेरे लिए पूरा जो ये रिचुअल है ये डिले हो रहा था क्योंकि मेरा लेट हो गया आने में, तो मैंने आके जल्दी जल्दी फूल से थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया है, क्योंकि ये हमारे यहाँ का मतलब होता है कि लड़की शादी से पहले जो लास्ट चावल खाती है घर पे, तो इसको आईब्रो भात बोलते हैं, तो उसी का रिचुअल था ये। तो दीदी अभी खाना खाने बैठी है, अभी शूट चल रहा है, उसके बाद खाना खाएंगी, इतना कुछ खा पाएंगी या नहीं पता नहीं, खेनी भी आता सब कुछ। तो अंदर का देख सकते हो पैंडल ऐसे बना है, काफी प्यारा लग रहा है देखने में, और अभी जा रहे हैं बाहर देखने के लिए। शादी का उधर होगा, मैंने बोला था मेहंदी का इधर करने के लिए, पता नहीं मेहंदी का कहाँ होगा, उधर खाना पीना चल रहा है, काफी प्यारा बनाया है देख सकते हो, लाइट जलेगा ना रात में और ज्यादा प्यारा लगेगा, कैसा लग रहा है बताओ? इट लुक वेरी गुड गुड गुड। ये तो काउंटर है ना खाना खाने वाला? हाँ ये सब काउंटर है, उधर मॉकटेल का पूरा काउंटर लगेगा, और ये सब बाकी सारे काउंटर है। दारू बेचेगा तू? दारू नहीं, बिना दारू का जो टेल तो दारू बंद है, बंदे को बोल दो मॉकटेल पहुंच जाएंगे तो भाई एक पैक बना दे, वो कॉकटेल है वही तो बोला, एम को सील के सी को एम कर देना। तो यहाँ पे ये लोग गाना बजा रहे थे, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है गला खराब होते हुए भी। तो यहाँ पे बन रहा था मेहंदी का बैकग्राउंड, यहाँ पे बन रहा है शादी का सारा खाना देख सकते हो। अभी तक हम लोग खाना
खाना खाने के लिए बैठे नहीं, वो पापड़ फ्राई हो रहा है। वो ऐसे ही होता है ना पापड़ इधर, वो बेगुनी है, मतलब बैंगन का बेसन के साथ। हाँ पकौड़ा। तो ये पूरा हमारा घर का ही जगह है देख सकते हो। ये सब पेड़ काटा नहीं गया इसलिए पेंट कर दिया, ये मेरा आइडिया था। हाँ इनका आइडिया था, काफी सुंदर लग रहा है सब कुछ। यहाँ पे थोड़ा सा मेसी है, बाकी बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये पीछे का पोर्शन है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो अभी बैठे हम लोग खाना खाने के लिए, मैं पापा के साथ बैठी हूँ। क्या क्या मेनू में है मैं दिखा रही हूँ। तो पहले स्टार्ट हुआ है साग से, जो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसके साथ है पीनट, इसके बाद है शुक्तो। तो ये आ गया है दाल, अभी तक मैं शुक्तो से खा रही हूँ। ये आया है बेगुनी देख सकते हो। ये हुआ है एचोर, मतलब कटहल की सब्जी। ठीक है एक टू था पिछली हूँ। फिर आया है मछली, तो मछली खाऊंगी भी। अभी आया है देख सकते हो चटनी, ये मिला खीर मिला, अभी तक खा नहीं पाई मैं। गाय सबसे तक हम खाना मैंने खाया है ठीक है। और अभी देखो भाई इतना ज्यादा कौन खाता है, इतना कोई खाता है खाई नहीं पाई। ये डाइटिंग है अंकल, अंकल का वो ना पेट में कुछ दिखेगा ही नहीं, सब पेट के अंदर। ये डाइटिंग चल रहा है। ये खाना बहुत अच्छा था, ये आंटी का मैंने खा लिया भाई, इसमें पूरा खत्म कर दिया खीर। मैंने मीठा नहीं लिया इसलिए खीर खा ली, क्योंकि रसगुल्ले अच्छे थे नहीं जैसे मुझे जो पसंद है। ये तो बोसे बाबू खेने, अभी डेकोरेशन चल रहा है हर जगह पे और खाना भी चल रहा है साथ में साथ। देखो ये शादी का जो होता है, जहाँ पे बैठ के शादी होता है, वो ये ऋषि है, ये सजा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं लेट हो गई इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और इधर दीदी को आलता पहनाया जा रहा है। और इसमें पूरा पानी पानी मिला दिया, मतलब लग ही नहीं रहा है देख सकते हो, पूरा लग रहा है पानी मिला के किसी ने रखा है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसका, मतलब कब से हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं बट इसका इसका हालत बहुत खराब है। सो डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जाऊंगी मैं रेडी होने, क्योंकि ये पहन के तो पूरा शादी नहीं बिता सकती ना, तो चलो रेडी हो लेते हैं फिर मिलते हैं। मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ अभी से, पता है मैं तो मन नहीं कर रहा है कि फिर से रेडी हो कपड़े चेंज करूँ। सुबह से इतना हेक्टिक जा रहा है ना। ये देखो तोतों का सारा सामान ऐसे रखा है, और ये वो थका रहा मैं। घर की हालत देखो, मैट्रेस दीवार पे, मैट्रेस नीचे, चीज़ें देखो इधर उधर पूरा फैला रखा है। अभी फेस वॉश करूँगी फिर रेडी होंगी। चलो